हेलो व्यूअर्स, आज मैं मीठी बूंदी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए एक कटोरी बेसन लिया है और उसी के हिसाब से थोड़ी एक कटोरी से थोड़ा कम शक्कर लिया है और एक चम्मच मैदा है। हम मैदा और बेसन को फेंट के बूंदी बनाएंगे और इससे चाशनी बनाएंगे। चलो बनाते हैं। एक कटोरी बेसन है, एक कटोरी एक चम्मच मैदा, इसको मिला। इसके बाद इसको एक साथ पानी नहीं डालेंगे, इसको धीरे धीरे डालेंगे पानी। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, एक साथ नहीं। इसी तरह पहले इसको मिला लें। इस तरह फेंट लें। ये गाढ़ा है, इसको थोड़ा पतला करेंगे। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के इसको। पकौड़ी का जो आटा होता है उससे थोड़ा पतला होना चाहिए। ये तेजी से गिर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, चलते हैं चाशनी बनाने। आधा कटोरी पानी और इसमें ये शक्कर, इसमें सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी चाहिए बस। ऐसे चिपचिपी सी चाशनी बस। तेल एकदम गर्म होना चाहिए तभी बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह सारी बुनिए तब, और चाशनी को कुनकुनी करनी रखनी है, ठंडी नहीं होनी चाहिए, कभी उसमें डूबी नहीं। अभी बन गई है, ये जो आवाज आ रही है इससे पता चल रहा है कि ये बन गई है। इसको निकाल दें।
थोड़ी देर में ये बूंदियाँ ठंडी होंगी तो एकदम चाशनी पी लेंगे। ये रही मीठी बूंदी, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।